1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh my God, there are so many. Good morning, guys. Hope you're doing fine. So, आज हम जा रहे हैं मुंबई. Yes, we are going to Mumbai today. And may take around 2 days for us to reach there. So, आज हम रुकेंगे बेलगावी. So, you keep enjoying the Bangalore-Mumbai journey with me. So, guys, good morning. I hope you are doing fine. So, बज रहे हैं सुबह के 5:20. तो यार plan ये था कि I had to go for some office work to Bombay, and I spoke to my cousin and I told him कि भाई Bombay में कुछ काम है, अगर चलना हो तो let's go. And then he said, चलो. So, आज का प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है. We will do around 520 odd kilometers and stay at Belgavi. कल हम निकलेंगे वापस. And tomorrow by afternoon we should be in Bombay. So, it is a plain stretch, dead highway. मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, but I will keep bringing you ये पूरे सफर की झलकियाँ, right? And झलकियाँ is very important because that's where you are going to enjoy this. चलो जी, हम आ गए हैं सुबह सुबह ट्रैफिक जोन में. ये हमारा यूजुअल ट्रैफिक जोन है जो आपने कई बार देखा होगा मेरे वीडियो पे. और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो ट्रक है, ये मतलब इतने बड़े बड़े स्टोन लेके जा रही है कि भैया निकल लो बस इसके बगल से, तभी अच्छा है आपके लिए. सो भाई, फॉग लाइट जो मेरी एक्चुअली में कल गिर गई थी, लुक्स लाइक कि देर इज सम इशू इन टर्म्स ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द लाइट. थोड़ा सा फिक्स कर लिया जाए जस्ट टू अलाइन इफ द लाइट्स आर यू नो स्ट्रेट. सो भाई लोग, लाइट सेटअप इज डन एक्चुअली. एंड नाउ आई कैन एक्चुअली सी. अभी तो अंधेरा है, क्या ही मज़ा आ रहा होगा, कुछ देखने को भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं. बट आई प्रॉमिस यू कि जब हम अभी सुबह निकलेंगे, आई एम गोइंग टू शो यू द ब्यूटीफुल सनराइज, ब्यूटीफुल हाईवे एंड लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द वे. सो भाई लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं, सुबह हो गई है. आई मीन ज़्यादा देर तो नहीं हुई है, 6 ही बजा है. बट सुबह हो गई है और द विजिबिलिटी इज मच बेटर देन हाउ वी लेफ्ट इन द मॉर्निंग. हम पहुंच गए अपनी चाय शॉप पे. मुझे पता नहीं है वो चाय शॉप ओपन है, ओपन. सी, जहाँ पे भी आपको ये 1.5 लाख का पैसे पड़े हुए दिखाई पड़े ना, समझ लीजिएगा कि यही वाली चाय शॉप है. हेलो, गुड मॉर्निंग. हम पहुंच गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 40-50 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी बाइक्स. हम जा रहे हैं आज बॉम्बे, वेरी एक्साइटेड. इट्स अराउंड 6:10, 6:20 राइट नाउ. आप बने रहिए हमारे साथ बिकॉज वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ फन. जैसे कि आप देख सकते हैं, वो आदमी इज फिगरिंग आउट उसका GoPro ऑन कैसे होता है. कैन यू बिलीव दैट? बट अभी के लिए बने रहिए, हम निकलेंगे यहाँ से. वी विल स्टॉप बाय एंड कीप गिविंग यू बाइक्स लाइक दिस. स्टे ट्यून्ड विद अस. ये रही हमारी चाय और बिस्किट. चलते हैं, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं. सो गाइज, वी हैव स्टार्टेड अगेन. प्लान ये है कि हर 1 घंटे 1.25 घंटे पे रुकेंगे. 1-1.5 hours, दैट्स अ प्लान राइट नाउ. रोशनी हो गई है, विजिबिलिटी इज ऑसम. चलाएंगे बाइक, मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में. सो भाई लोग, हम रुक गए हैं टोल के बाद और लेंगे हमें 5-6 मिनट का ब्रेक और फिर आते हैं हम आपके पास वापस. बने रहिए हमारे साथ. ये देखिए, ये हमारी गाड़ी और हमारा सेटअप. हाईवे इज ऑसम, बाइक इज लुकिंग फाइन और हमको बहुत मज़ा आ रहा है आज गाड़ी चलाने में. हम हैं हिरियूर पे अभी और बज रहे हैं 8:15. उसके बाद आएगा चित्रदुर्गा, फिर आएगा दावणगेरे, फिर आएगा हुबली और उसके आगे का जो रास्ता है वहाँ पे मैंने आज तक कभी भी ट्रैवल नहीं किया है. सो दैट विल बी गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग.
Because still Davangere and Hubli, Hubli and Davangere, we went last time to Goa. That was the last longest ride basically. But आज अगर आप देखोगे तो उसके आगे का जो रास्ता है that I've never explored. So भाई लोग ये जो आप देख रहे हो this is basically windmills की wing है ये. And you see how huge this is. तो हम यहाँ से जाएंगे but यहाँ पे भी रास्ता नहीं है मतलब it is still not working. अगर आपको दिख रहा है so there is lot of windmills there and this is my favorite patch whenever I come on this stretch. हेलो ये क्लोजर लुक ऑफ द विंडमिल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ओ माय गॉड देयर आर सो मेनी देयर और आपको वहां पे भी दिख रहा होगा लाइक दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रेच गाइस मतलब अगर आप बैंगलोर गोवा जा रहे हैं बैंगलोर दावणगेरे हुबली कहीं पे भी जा रहे हैं राइट यू कैन नॉट मिस दिस प्लेस एंड इट जस्ट लुक्स अमेजिंग भाई मजा बहुत आ रहा है मतलब व्हाट अ रोड मतलब आपको दिख ही रहा होगा राइट मतलब व्हाट अ रोड दिस इज लाइक वन ऑफ दोज रोड्स वेयर यू जस्ट वांट टू कम एंड ड्राइव यू नो योर कार योर बाइक एनीथिंग और एक ही प्रॉब्लम होती है ऐसी जगहों में कि यू नो दिस इज अ डेड स्ट्रेट हाईवे तो मतलब मेरे पास आपको वाटरफॉल दिखाने को नहीं है मेरे पास आपके वो कुछ और भी दिखाने को नहीं है सो गाइस आई फाउंड दिस लेक और अ पॉन्ड व्हाटएवर यू कॉल Looks beautiful, looks blue. And that's the highway we came from. So if you're liking the video guys, please go and hit the subscribe button. For now, enjoy the drone shot. Here it comes. So guys, I hope आप लोगों को मजा आया होगा ड्रोन शॉट देख के यार क्या हाईवे है मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहे हैं बट मतलब जब भी चलाओ इस रोड पे लाइक इट इज जस्ट ऑसम हेलो सो भाई लोग हम हैं अरे दो गए बिस्किट बिस्किट ही नहीं देता यार ये आदमी मतलब अकेले खाए पड़ा है मतलब बिस्किट देने को होता है ना बस कब दोगे बिस्किट बोलो कुछ तो बोलो बोला बोल नहीं पा रहा खाओ क्या खा रहे हो तुम बॉन खा रहे भाई साहब ये देखिए इट इज नॉट बॉन इट इज बॉबन तो भाई लोग हमें अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर पहले बेलगावी के सॉरी बिस्किट मुंह में है बट अभी के लिए प्लान ये है व्हेन यू डोंट नो वेयर द रोड टेक्स यू फाइंड द वे तो आज हम वही करने वाले हैं जा रहे हैं बेलगावी शाम को जाएंगे बेलगावी फोर्ट अगर हम सोए नहीं हैं एज यूजुअल एंड प्लान यही है कि हम आज देख के आए टाइम पे बिकॉज वी आर स्टिल फ्रेश एज यू कैन सी अभी मुंह धोया गया है तो बने रहिए हमारे साथ हम आपको आज दिखाएंगे बेलगावी जो कि हमने भी नहीं देखा है एंड वी आर नॉट श्योर वहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है सो भाई लोग हो रही थी मूसलाधार बारिश एक घंटे पहले और उसकी वजह से आई हैड टू कीप द कैमरा अवे और अभी जब हम यहाँ पे पहुँचे तो देखा कि यू नो बारिश का तो नामो निशान नहीं है सो वी सैट फॉर सम टाइम और अब हम निकलेंगे वी आर 2 hours अवे फ्रॉम आर लोकेशन गाड़ी की हालत देख लीजिए मेरे जूते देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बारिश कितनी गंदी थी अभी के लिए बने रहिए आप आज हम पहुंचेंगे बेलगावी हेलो हम लोग पहुंच गए हुबली और आई शुड से हुबली एंड ये वाला टोल है हुबली के बाद जस्ट क्रॉस द सिटी और यहां से दिखा रहा है 1 hour 40 minutes
तो भाई लोग, मतलब लोग ऐसा यहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे थे और इतनी ट्रक इस टोल रोड पे, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये सारी ट्रक आई कहाँ से, और देखो वापस गायब सब कुछ। तो देखिए ये धारवाड़ को जाती है रोड एंड दिस इज़ द मेन हाईवे दैट वी विल गेट शोइंग 1 आवर फ्रॉम हियर। बने रहिए, हाईवे आ गया है, क्रूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वही आदमी है जो अपना सारा सामान बटोर के अभी आया है। व्हाट वी डिड वाज वी वर वेरी हंग्री, वी डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट, सो वी स्टॉप्ड एट दिस हाईवे कैफे। द फूड वाज डिसेंट, वी हैड सम कोल्ड कॉफी एंड अ सैंडविच बिकॉज भूख बहुत लगी थी। रास्ते में कुछ भी नहीं मिल रहा था बॉस, सो मतलब अगर आप आओगे पैक योर फूड बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। पिज्जा सैंडविच वाज गुड, इट वॉज नॉट अ पिज्जा सैंडविच बाय द वे, इट वाज अ ग्रिल्ड सैंडविच। बट ये आदमी जो है ही डजंट नो एनीथिंग, राइट? सो just ignore him for now, concentrate on my vlog because you are going to enjoy this as and when you know you follow it. ye kisi kaam ka nahi hai, bane rahiye, I'll come back to you on moto travel. yaar maine bas camera isliye on kiya tha ki aapko dikhana hai ki kitna sundar dikh raha hai charon taraf, it is all green, the road is not ending, matlab hai to aur 15 hi minute but the road is just awesome man, and you know all the sides are like very green, it has you know hills on all sides and just so soothing to eyes you know going from this road. I thought ki yaar aap logo ye miss nahi karna chahiye because I never expected ki on the way kuch aisa bhi milne wala hai because I thought yaar ye to dead highway road hai, kuch bhi nahi milega, but yaar matlab road to achhi hai, थोड़े थोड़े नज़ारे भी बेटर हो रहे हैं। सो हम एक्सपेक्टिंग कि कल जब हम लोग वापस निकलेंगे बॉम्बे के लिए, सो हो सकता है आपको कुछ रास्ते में और भी चीज़ें मिले। ये देखिए ये हमारा रूम, वो कभी सास भी कभी बहू वाली म्यूजिक होती है ना, टीडिंग टीडिंग टिंग टीडिडिंग टीडिंग टीडिंग टिंग, इतना छोटा सा है कि इतनी जल्दी म्यूजिक खत्म हो जाती है। बट आप बने रहिएगा बिकॉज हम बहुत मजा करने वाले हैं अभी, तो मतलब ये रूम की ऐसी की तैसी करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या प्रोग्राम है। बने रहिए, आई विल कम बैक टू यू वेरी सून। आज के लिए शायद इतना ही या शायद नहीं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा।